हरियाणा में बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अंबाला से बंतो कटारिया को बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है। ऐसे में यमुनानगर में भी ऐसे मोर्चा की जो रोल है वो काफ़ी अहम हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ ऐसे मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्म सिंह मट्टू जी आए, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह का उनका रोड मैप है और बंतो कटारिया जी के लिए किस तरह वह ग्राउंड जीरो पर उतरकर मैदान में उतरकर वह उसके लिए मेहनत करेंगे। मट्टू जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाबी से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मट्टू जी, बंतो कटारिया को मैदान में उतारा गया है, किस तरह उनके लिए मेहनत की जाएगी और आगे क्या रोड मैप रहेगा, किस तरह प्रचार किया जाएगा? हम बूथ लेवल तक जाकर बंतो कटारिया जी के समर्थन में वोट की डिमांड करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य कराए हैं और जो अनुसूचित जाति बस्तियों में जो हमारे समाज को लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे और उनको कहेंगे कि आप हमारे कैंडिडेट की उसमें वोट डालें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो संगठन है डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का, भारतीय जनता पार्टी मोर्चा का, बहुत अच्छे ग्राउंड लेवल पे काम करता है और हमारा जो एससी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से काफ़ी प्रभावित है। तो ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो लोकसभा अंबाला में उठाए जाएंगे? मुद्दा हमारा विकास का ही होता है कि हम सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विकास। तो जो अगर अंबाला से अभी जब तक जो है कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारा जाता है तो क्या रणनीति बदलेगी, किस तरह का फिर आगे रोड मैप रहेगा? जिस पार्टी की अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकती तो उस वो कहाँ धरातल पे काम करके तो कौन सा कैंडिडेट उतारेंगे? उनके पास कैंडिडेट ही नहीं बचा, कैंडिडेट ही भाग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हम टिक नहीं सकते, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी ने विकास ही इतने कराए हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री भारत के, वो धरातल पे सोच के काम करते हैं। ये जो दूसरी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे इंटरनेशनल पार्टी है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। रतनलाल कटारिया यहाँ से सांसद रहे हैं, अब बंतो कटारिया को टिकट दिया गया, उनकी पत्नी है, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, क्या उससे कुछ जो भावुक हुए हैं लोग, क्या उसका कुछ फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल हमारे समाज को नुकसान तो हुआ है कि अगर कहीं किसी समाज का नेतृत्व करने वाला नेता उसका हो जाता है तो क्षति तो है समाज को, मगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल कटारिया जी ने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री वर्तमान में नायब सिंह सैनी जी, ये शीर्ष नेतृत्व ने जो अनुसूचित जाति के लिए तो बंतो कटारिया जी को टिकट दिया है, तो लोकसभा अंबाला में बहन बंतो कटारिया जी को बहुत भारी मतों से अनुसूचित जाति समाज वोट करेगा और जीत दिलाएगा। एक अंतिम सवाल है, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, नारायणगढ़ से आते हैं, ओबीसी का चेहरा है, उससे कितना फ़ायदा अंबाला लोकसभा को मिलेगा? अंबाला लोकसभा को ही नहीं, जो उत्तरी सीट्स हैं हमारी उत्तरी हरियाणा की लोकसभा की, उसमें सब में बेनिफिट मिलेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो सारे हरियाणा में, मगर ज़्यादा संभावना हमारे उत्तरी हरियाणा की सीटों में इतना प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत, धन्यवाद। तो ये थे यमुनानगर जिले एससी मोर्चा के प्रधान धर्म सिंह मट्टू जी, जिनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर इस बार जो है चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी भारी मतों से बंतोलाल कटारिया को जीत दिलाकर संसद में पहुंचाया जाएगा। पंजाब केसरी के लिए प्रवेश खान, यमुनानगर।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।